हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्मूथ कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी पाइल्स की समस्या और आपकी जो कब्ज की समस्या है उसको ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है और क्या इसकी इंट्रैक्शन है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्मूथ कैप्सूल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम स्मूथ कैप्सूल की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अरिस्टो फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हो, डोकोसिलेट 100 mg और कैल्शियम डोबिसिलेट 500 mg। अगर इसकी MRP के बारे में बात करें तो 160 रुपये इसका MRP होता है, जो कि एक स्ट्रिप का है और एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आते हैं। स्मूथ कैप्सूल के बारे में बात करते हो, स्मूथ कैप्सूल दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, डोकोसेट एंड कैल्शियम डोबिसिलेट। डोकोसेट इज एक लुब्रिकेंट लैक्सिटिव के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है, ये मल में वसा को और पानी को बनाए रखता है, यानी कि उसको सॉफ्ट नरम और उसको बाहर निकालने के लिए ईजी बना देता है। एंड कैल्शियम डोबिसिलेट के बारे में बात करें तो ये एक वैसो प्रोटेक्टिव है, ये छोटी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर काम करता है और ये ब्लड फ्लो में भी सुधार करता है। जब ब्लड का फ्लो सही हो जाता है, जिसके कारण हमारी सूजन, रेडनेस और जो पाइल्स की समस्या होती है वह भी ठीक हो जाती है। और बात करें तो इस कैप्सूल का प्रयोग कब्ज को दूर करने के लिए भी किया जाता है और ये मल को सॉफ्ट कर देता है। और बात करें तो प्लेटलेट्स हाइपर एकीकरण में भी इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी में भी इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है और रक्तस्रावी जो रोग होते हैं उनमें भी इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। ये इस कैप्सूल के कुछ यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस कैप्सूल का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम इस कैप्सूल को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सूजन होना, गले में जलन होना, जोड़ों में दर्द होना, खुजली होना, ऐठन होना, दस्त होना, गैस की समस्या, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस कैप्सूल को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैप्सूल को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो इस कैप्सूल को लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अगर आप इस कैप्सूल के प्रति हाइपर सेंसिटिव है और आपको बुखार हुआ है तो आपने इस कैप्सूल को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। अगर आपको टोनसिल है, गले में खराश है या आपको किसी भी तरह गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस कैप्सूल को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। जिम चलाना या आप गर्भवती होने की योजना बना रही है तो इस कैप्सूल को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ये कुछ सावधानियाँ हैं जो इस कैप्सूल को लेते समय हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंट्रैक्शन के बारे में। फ्लुक्सिटीन, फ्रूसेमाइड, मैग्नीशिया का जो दूध होता है, प्रेगवालिन कैप्सूल्स, इन दवाओं के साथ आपने इस दवा को नहीं लेना है। अगर आपने इन दवाओं के साथ इस कैप्सूल को लिया तो हो सकता है जो आपने मेडिसिन लिया वो काम ही ना करे या हो सकता है उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा ही देखने को मिले। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन का डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कैप्सूल को सुबह और शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर इसकी डोज बढ़ा भी दी जाती है। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।